इस बाइक में पैडल इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो ये पैडल है, जो ये क्रैंक है, ओके, तो देखना है क्रैंक के पीछे लिखा होगा, ओके, आप क्रैंक के पीछे देखोगे तो यहाँ पर आर लिखा होगा, ओके, आप देखोगे तो यहाँ पर आर लिखा होगा, मतलब कि ये राइट साइड का पैडल है, ओके, जो ये आर आर लिखा होएगा, मतलब आर लिखा हुआ है क्रैंक में, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो आर लिखा हुआ है, तो ये राइट साइड का क्रैंक है, ओके, और उसके जो दूसरी साइड वाला क्रैंक है उसके पीछे एल लिखा होगा, ओके, आप देख सकते हो एल लिखा होगा, आप देख सकते हो इजीली एल लिखा हुआ है, ओके, तो ये लेफ्ट साइड का है और इस साइड आर लिखा है क्रैंक के पीछे, तो ये राइट साइड का क्रैंक है, तो राइट साइड के क्रैंक में हमें राइट साइड का पेडल लगाना है, यहाँ पर पेडल में आर लिखा हुआ है और उसका जो बेल्ट है, बेल्ट में भी ऊपर आर लिखा हुआ है, ओके, हाँ, अभी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो बोल्ट वाली साइड है वहाँ पर ये जो दो होल वाले हैं उसको साइज़ के हिसाब से पहले नीचे डाल के, ओके, उसके बाद ऐसे नीचे डाल के ऊपर खींच के, ओके, ऐसे इंस्टॉलेशन कर देना है, ओके, वो याद रखना है ये बेल्ट है उसके आर ऊपर लिखा होना चाहिए, ओके, आर जो लिखा हुआ है राइट साइड के पेडल में, राइट साइड का बेल्ट लगाना है और वो जो बेल्ट आप लगाते हो उसमें आर ऊपर दिखना चाहिए, इस हिसाब से लगाना है, ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, राइट साइड का क्रैंक है उसमें आपको पेडल लगाना है, ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, पेडल को ऐसे रख देना है और उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, ओके, आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड पे घुमाना है, यहाँ पर हमने मेंशन भी किया हुआ है, ऐसे घुमाना है, उसके बाद क्या करना है, स्पैनर लेके, स्पैनर के जरिए उसको एकदम जो पैडल है उसको क्रैंक में एकदम से फिक्स कर देना है, ओके, पैडल को क्रैंक में एकदम टाइटली फिक्स कर देने के बाद जो ये वाला बेल्ट है उसको यहाँ ऊपर ऐसे डाल के और नीचे यहाँ पर खनौप दिया हुआ है वो साइज़ के हिसाब से, आपके फुट के साइज़ के हिसाब से आपको इंस्टॉलेशन कर देना है, ओके, यहाँ पर अलग अलग दिए हुए खनौप, तो वो साइज़ के हिसाब से, अब राइट साइड का पैडल इंस्टॉल होने के बाद हमें उसको लेफ्ट साइड का पैडल इंस्टॉल करना है, तो साइकिल को घुमा देते हैं, ओके, यहाँ पर हमने देखा था इस वाले क्रैंक में, ओके, अब इस वाले क्रैंक में हमने देखा था कि पीछे की साइड आप देख रहे हो, देखोगे तो कि पीछे की साइड एल लिखा हुआ है, ओके, आप देख सकते हो एल लिखा हुआ है, तो मतलब ये लेफ्ट साइड का क्रैंक है और उसमें हमें लेफ्ट साइड का पैडल लगाना है, हमारे पास पैडल दिया हुआ है उसमें एल भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी हमने एल लिखा हुआ है, राइट, ए बी एल, तो ये लेफ्ट साइड का पेडल है, तो सबसे पहले जो बॉल दिया उसके बाजू में एक नॉब है वहाँ पर ये बेल्ट है उसको लगाना है, बेल्ट को बेल्ट भी यहाँ पर एल लिखा होगा बेल्ट के ऊपर भी, ओके, तो बेल्ट को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ऐसे नीचे से डाल के ऐसे ऊपर खींच लेना है, ओके, आप देख सकते हो, और बेल्ट जब लगाते हो तो याद रखना है कि एल ऊपर लिखा होना चाहिए इस हिसाब से, ओके, पेडल में बेल्ट, एक साइड का बेल्ट लगाने के बाद इसको क्रैंक में ऐसे रख के एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट साइड घुमाना है, यहाँ पर हमने बताया हुआ है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है,
हमने जो क्लॉकवाइज घुमाया था इस बार इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट साइड घुमाना है ऐसे। ओके, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद स्पेनर के जरिए, ओके, हमने जो पेनर दिया उस पेनर के जरिए उसको एकदम टाइटली फिक्स कर देना है। ओके ओके, एकदम टाइटली स्पेनर के जरिए एकदम टाइटली पेडल को फिक्स करने के बाद ये जो बेल्ट है, बेल्ट को ख़ास याद रखना है वहाँ पर एल ऊपर ही दिखना चाहिए। ओके, यहाँ से ऐसे बेल्ट को अंदर डाल के आपके फुट के हिसाब से अलग अलग साइज़ में उसको इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर नॉब दिया हुआ है, इस नॉब में डाल के कर देना है। ओके, ऐसे हमने पूरा पेडल इंस्टॉल कर दिया है बाइक का, दोनों साइड के पेडल। इसमें याद रखना है राइट साइड का पेडल राइट साइड के क्रैंक में ही लगाना है और लेफ्ट साइड का पेडल लेफ्ट साइड के क्रैंक में ही लगाना है। अलग अलग पेडल कभी भी ना लगाए, क्योंकि अलग पेडल अगर लगाओगे तो लग तो जाएगा पर आफ्टर सम टाइम, मतलब 2-3 महीने या सम टाइम इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए प्लीज़ लेफ्ट साइड का पेडल लेफ्ट में और राइट साइड का पेडल राइट में ही लगाइएगा।